नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स के बारे में। आप बीए कंप्लीट करते हैं अपनी, तो उसके बाद फिर आपको क्या करना चाहिए, क्या आप कर सकते हैं, क्या आपके पास करियर में ऑप्शन रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। बीए के सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक देखें। वीडियो की शुरुआत से पहले आप इस इंपॉर्टेंट अपडेट को भी जरूर देखें। सीमा चौहान मैडम की क्लासेस को अनअकैडमी में फ्री में देख सकते हैं। 1 मई 2022 को मैडम की क्लासेस होने वाली है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और लिंक पर क्लिक करके आप प्रतिमा चौहान मैडम की क्लासेस को देख सकते हैं। अकेडमी लाया है अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल। आप IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्लास 8th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट हैं और IIT नीट क्लियर करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है बहुत ही अच्छा ऑफर। 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है सिर्फ 299 रुपीज़ में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 45 डेज का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है सिर्फ 299 रुपीज़ में। आप मेरे कोड PC2021 का इस्तेमाल कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरे कोड PC2021 का इस्तेमाल कीजिए और आपको 20% ऑफ इसके ऊपर मिलेगा। तो 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन दे रहा है अनअकैडमी 299 रुपीज़ में, और मेरे कोड PC2021 का इस्तेमाल करने पर आपको 20% ऑफ भी मिलेगा। तो आज ही मेरे कोड PC2021 का इस्तेमाल करते हुए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर। अनअकैडमी अनलॉक 20 ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 अप्रैल 2022 तक। आपको मेरे कोड PC2021 का इस्तेमाल करना है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते वक्त। आप SSC, बैंक, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और 30 अप्रैल 2022 तक आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए मेरे कोड PC2021 का इस्तेमाल करते हुए, और आपको 20% ऑफ मिलेगा। बिल्कुल सही सुना आपने, आपको 20% ऑफ मिलेगा मेरे कोड PC2021 का इस्तेमाल करते हुए। मेरे कोड PC2021 का यूज़ करते हुए आज ही अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि बीए के बाद एक बार आप जब अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन रहते हैं। बीए चाहे आप हिंदी में कर रहे हैं, बीए हिंदी कर रहे हैं, बीए इंग्लिश कर रहे हैं, बीए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, बीए हिस्ट्री कर रहे हैं, बीए के काफ़ी सारे बीए साइकोलॉजी कर रहे हैं, तो जितने भी बीए के रिलेटेड कोर्सेज होते हैं उनको करने के बाद आपके पास करियर में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो सबसे पहले तो एक ऑप्शन यही रहता है जिसके ऊपर काफ़ी सारे स्टूडेंट जाते भी हैं, वो है मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी कि बीए के बाद एमए करना, अंडर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास एमए एक ऑप्शन रहता है, आप मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स आप उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कर सकते हैं जिसमें आपने बीए किया था, मतलब बीए हिंदी किया है तो एमए हिंदी, बीए इंग्लिश किया है तो एमए इंग्लिश, बीए हिस्ट्री किया है तो एमए हिस्ट्री आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर है बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड। बीएड भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आप आगे पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाने की लाइन में जाना चाहते हैं, वहाँ अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बीएड आप कर सकते हैं। बीएड करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ इस तरीके की होती है जो कि बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन लेती हैं। इग्नू भी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन लेता है, जिसको क्लियर करने के बाद आप इग्नू के अंदर बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। तो एक ऑप्शन बीएड भी आपके लिए होता है उसकी, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपको एक प्रोग्राम भी करना होता है जो कि फ़ेस टू फेस मोड से NCTE का रिकॉग्नाइज प्रोग्राम होना चाहिए, वो भी साथ में होता है, लेकिन आपकी जो ग्रेजुएशन की जो एक काबिलियत होती है वहाँ पर योग्यता मांगी जाती है, वो अगर आपके पास है उसके बाद फिर आपको एक NCTE का फेस टू फेस मोड में एक प्रोग्राम करना होता है, और फिर आप बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है SSC, बैंक, रेलवे रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब्स। जैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं, अपनी बीए की ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप SSC, बैंक, इसके रिलेटेड अभी तक जो होता है, आप जब तक आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की होती है, आप 12th बेसिस के जो कोर्सेज के फॉर्म होते हैं उन्हीं को ही भर पाते हैं, यानी कि 12th बेसिस पे जो भी, जैसे CGHS है, CGHL है, इस तरीके के जो हायर सेकेंडरी लेवल के जो
फॉर्म्स होते हैं उन्हीं को ही भरने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन जैसे ही आप ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं उसके बाद आप एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म, बैंक पीओ, रेलवेज के काफ़ी सारे फॉर्म होते हैं और इसी तरह के गवर्नमेंट जॉब के काफ़ी रिलेटेड फॉर्म होते हैं जिनको भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं बीए करने के बाद। उसके बाद आगे बात करें तो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईआरएस बनना चाहते हैं, आईएफएस बनना चाहते हैं तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का फॉर्म आपको देना, एग्ज़ाम देना होता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देकर आप आईएएस बन सकते हैं, चाहे तो आप स्टेट लेवल का पीसीएस भी दे सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश पीसीएस है, उत्तर प्रदेश पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस है, ठीक, गुजरात पीसीएस है। इस तरीके से हर स्टेट का भी अपना अलग अलग पीसीएस होता है जो उस स्टेट में आपको प्रशासनिक अधिकारी बनाता है। तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं जैसे ही आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाती है। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है मास्टर ऑफ़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप बिज़नेस में आपकी रुचि है, आप व्यापार रिलेटेड कॉन्सेप्ट में आपको अच्छा लगता है कि आप वहाँ पर करियर बनाना चाहते हैं, तो एमबीए भी आप कर सकते हैं बीए के बाद। तो मास्टर ऑफ़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी एक ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद है बैचलर ऑफ़ लेजिस्लेटिव लॉ, यानी कि एलएलबी जिसको कहा जाता है। अगर आप वकील बनना चाहते हैं, कानून के विषयों में आपकी रुचि है, तो आप एलएलबी कर सकते हैं बीए के बाद। तो बीए के बाद आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, इसके बाद भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं जिनको आप देख सकते हैं और जिनको आप कर सकते हैं बीए करने के बाद। आपका करियर में जहां पर भी आप इंटरेस्टेड हैं उस रिलेटेड, उसके अनुसार आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।